सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कृष्ण की शरण में आकर भक्त नया जीवन पाई हैं, इसलिए गोवर्धन पूजा का दिन हम सच्चे मन से मनाते हैं। घमंड तोड़ इंद्र का प्रकृति का महत्व समझाया, उंगली पर उठाकर पहाड़ वो ही रक्षक कहलाया। ऐसे बाल गोपाल लीलाधर को शश्वत प्रणाम। बंसी की धुन पर सबके दुख वो हरता है, आज भी अपना कन्हैया कई चमत्कार करता है। जग की रक्षा करने एक उंगली पर पहाड़ उठाया, उसी कन्हैया की याद दिलाने गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का पंचांग 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 2:36 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 3:24 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:54 से 4:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:10 से 12:25 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:57 से शुरू हो चुकी है और 14 नवंबर 2023 यानी आज मंगलवार को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगी। उदय तिथि को देखते हुए इस साल गोवर्धन पूजा आज मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2:09 की है। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:57 तक है। सिंह राशि 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार, आज आप अपने जीवन में कांटों को निकालकर तेजी से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अपने मन का मैल कैसे धोया जाए इस उधर बूढ़ में दिन निकलेगा। झूठ और रहस्यों से उत्पन्न अपराध घर की शांति को भंग करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप हाव भाव पढ़ सकती हैं। दूसरों के साथ कनेक्ट होने के लिए इसका प्रयोग करें। आपका घर आना आपके घर वालों के लिए त्योहार की तरह है। इस समय का आनंद लें। किसी पहचान के जरूरतमंद की मदद करें, इससे आपकी मित्रता मजबूत होगी। दूसरों की बातों को सुनना आपकी अधिकतर परेशानियों को दूर करेगा। गरजने वाले बादल बरसा नहीं करते, इसीलिए कहिए मत बल्कि करके दिखाइए। आज किसी राजनीतिक या नजदीकी संपर्क से कुछ फायदा होने की उम्मीद है। परिवार में चल रही किसी समस्या को सुलझाने में आपकी हर संभव कोशिश रहेगी। आप अपनी बुद्धिमता के बल पर कुछ ऐसा निर्णय लेंगे जो आपको खुद भी आश्चर्य होगा। व्यक्तिगत जीवन की प्रगति पर ध्यान देना होगा। निर्णय लेते समय अन्य लोगों पर बनी निर्भरता दूर करना जरूरी है। जो निर्णय आप खुद के लिए बना रहे हैं वह अन्य लोगों पर थोपने की गलती ना करें। यह विवाद का कारण होगा, इससे बचें। खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें, तभी पैसों से संबंधित तकलीफ दूर होगी और आप काम पर फोकस कर पाएंगे। पार्टनर की बातों को समझने के लिए आपको अपने सीमित विचारों को छोड़ना होगा। सावधानियां, अपनी योजनाओं और गतिविधियों के बारे में किसी भी अपरिचित से चर्चा ना करें, अन्यथा कोई आपको धोखा दे सकता है। पुरानी नकारात्मक बातों को भूलकर आगे बढ़ने में भलाई है। विद्यार्थीगण पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान केंद्रित रखें, आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज ध्यान से सफर करें क्योंकि इसमें गड़बड़ी या दुर्घटना की आशंका है। आप उनका पूरा ख्याल रखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें कि अंतरंगता और यौन सुख के लिए रिश्ते में विश्वास होना भी जरूरी है। आपका परिवार और आपका साथी आज आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और उन्हें आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। प्यार के इन पलों में आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आपके कानों में कोई सितार बजा रहा है।
अपने साथी को कोई ऐसा सरप्राइज दे जो उसे पूरी उम्र याद रहे। बात करती है करियर की। किसी करीबी से संबंधित अप्रिय समाचार आपको झटका दे सकता है। करियर में आज के दिन आपके लिए ठीक है, जहां नई साझेदारी या व्यावसायिक परियोजना की भी संभावना है। याद रखें, व्यापार और रिश्तों में कुछ बातों को रहस्य बनाए रखना जरूरी होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज सब कुछ आपके जीवन पर गहरी छाप छोड़ेगा। काम या करियर की ओर आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण आपको आर्थिक रूप से समृद्ध होने में मदद करता है। आज धन और आराम भी आपके कार्ड्स पर है। अपने लक्ष्य की तरफ अड़िग रहें और अपने कामों को देखें, क्योंकि वही आपकी नियति है। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक काम की वजह से थकान हावी रहेगी। उचित आराम लें तथा मौसम में चल रहे परिवर्तन से भी अपना बचाव रखें। सेहत संबंधित दिक्कत ठीक करने के लिए डॉक्टर से उपचार जरूर लें। आज का उपाय। आज अब मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं और पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।